जैसा दोस्तों आपने हमारे स्क्रीन पर थंबनेल देखा होगा, आज हम उसी मॉडल को डिस्कस करने वाले हैं। बहुत ही बेहतरीन प्लान होने वाला है। 20x30 20x30 फुट में कॉर्नर का प्लॉट है ये बनाया गया है, और जिसमें कि मैंने दो दुकानें दी हैं और साथ साथ रहने के पर्पज से भी डिजाइन किया ऊपर। तो अगर आप भी ऐसा घर चाहते हैं जिसमें आप रहना भी चाहते हैं और नीचे अपना गोडाउन या दुकानें बनवाना चाहते हैं, तो आप इस मॉडल को सिलेक्ट कर सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत प्लान होने वाला है। हमारी ये पेड सर्विस एक लोगों ने ली थी, तो उनकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इस मॉडल को मैंने क्रिएट किया। पूरा मॉडल दिखाने वाले हैं, आप बने रहिएगा। साथ साथ अगर आप हमारी पेड सर्विस का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। नंबर हमारा डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, व्हाट्सअप नंबर है, आप हमें वहाँ पर कॉन्टेक्ट करें। मैं आपसे बात करके आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हाउस क्रिएट करूँगा, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट होगी। तो चलो आज का जो मॉडल है उसे डिफाइन कर लेते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं ये पूरा मॉडल होने वाला है जो आज मैं बताने वाला हूँ। 20x30 20 फुट दोस्तों ऐसा है और 30 फुट इसकी गहराई, जिसमें इस साइड इनका कॉर्नर का प्लॉट जैसा कि मैंने आपको बताया था, तो इधर से यहाँ पर रोड गया है, तो इस वजह से इनको दो दुकानें चाहिए थी। और इधर मेन डोर हालांकि इधर रहेगा, बट मैंने इधर से भी एक डोर दे दिया। अगर आपकी रिक्वायरमेंट है तो आप इधर से रखिएगा, अगर नहीं है तो आप इसे हटा दीजिए, आपकी रिक्वायरमेंट पर डिपेंड करता है। तो इसी मॉडल को बहुत ही खूबसूरत प्लान होने वाला, आप देखिएगा चारों तरफ से। मैं आपको दिखा देता हूँ, ग्रिल वगैरह मैंने सारी क्रिएट कर रखी है बेहतरीन तरीके से। तो आप देख सकते हैं टू साइड क्लोज टू साइड ओपन, बेहतरीन सा मॉडल 20x30 600 स्क्वायर फीट में बनकर रेडी होता है। इसका मैं दोस्तों अनुमानित लागत भी आपको बताऊंगा, अनुमानित कॉस्ट भी बताऊंगा कि कितने रुपए में आप ये घर तैयार कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके ग्राउंड फ्लोर की। तो ये दोस्तों इसका ग्राउंड फ्लोर होने वाला है, ये देखिए ग्राउंड फ्लोर। मेन डोर जब आप इधर से, इधर भी आपके रोड है तो इधर से एंट्री करेंगे। ये मेन डोर है जो मैंने 6 फीट में दोस्तों डिजाइन किया है, और इसके बाद आप इधर से एंट्री कर पाएंगे। एक विंडो भी मैंने यहाँ पर दिया है। साइड की बात करें तो इधर भी दोस्तों रोड है, तो इधर देखिए दो शटर लगे हैं, मतलब दो दुकानें यहाँ पर आपकी हैं। और ये आपका इधर से भी मैंने एक डोर दिया है जो कि डबल डोर है, आप इस्तेमाल कर सकते हैं, इधर से भी एंट्री कर सकते हैं। तो सबसे पहले टॉप व्यू मैं दिखा दूं फ्रंट से, आप देखिए ऐसा टॉप व्यू आपका दिखने वाला ऊपर से घर का नक्शा। अगर आप इस डोर से एंट्री करेंगे बड़े वाले गेट से, तो आप डायरेक्ट एक हॉल टाइप का यहाँ पर मैंने जो डिजाइन किया इस पर एंट्री करेंगे, और इधर से एंट्री करेंगे तब भी आप हॉल में ही एंट्री करेंगे। और ये एक विंडो है, हॉल से ही आपकी दोस्तों अंदर जाने के लिए जगह मैंने दी है। ये आपको हॉल से एक बड़ा सा लेट बाथ पहले मिल जाता है, आपको देख सकते हैं। इन्हें ग्राउंड फ्लोर में किचन वगैरह की आवश्यकता नहीं थी, तो मैंने किचन वगैरह नहीं बनाई है। इसके बाद ये गैलरी टाइप की मिलती है, जिसमें देख सकते हैं डोर वगैरह मैंने दिया है, अंदर जाते हैं तो ये दोनों दुकानों का एक्सेस मैंने सिर्फ रोड से ही दिया है, शटर लगाकर, अंदर से एक्सेस नहीं। अगर आप अंदर से भी एक्सेस चाहते हैं तो आप डोर लगा सकते हैं। गैलरी से अंदर जाते हैं तो आप यहाँ पर पहुँचते हैं कॉर्नर पर, और यहाँ पर आपकी स्टेयर्स है जो कि दोस्तों दो फोल्ड में बनी हुई है। ध्यान आपको ये रखना है कि आपको दो बार फोल्ड करना पड़ेगा तभी आप स्टेयर्स को दोस्तों बना पाएंगे, नहीं तो आपकी स्टेयर नहीं बनने वाली, इसका विशेष ध्यान रखें। और ये पूरा बेहतरीन सा दो आपकी देख सकते हैं दुकानें और लेट बाथ स्टेयर्स वगैरह बनकर रेडी हो जाती हैं ग्राउंड फ्लोर पर। ये देख सकते हैं दोस्तों ओवरऑल बेहतरीन सा मॉडल आपका 20x30 का ग्राउंड फ्लोर। बात करते हैं इसके फर्स्ट फ्लोर की। तो जैसे दोस्तों आप फर्स्ट फ्लोर पर आएंगे तो ये देखिएगा बेहतरीन सा आपका डिजाइन। आगे भी मैंने सज्जा लगभग 2-2.5 फीट का दिया है, और इधर भी सज्जा दिया है। तो स्टेयर्स आपकी यहाँ थी, यहाँ पर आप टर्न होकर जब वापस आएंगे तो यहीं पर मैंने एक डोर दिया है। इस स्टेयर से होते हुए सबसे पहले आपको इस आपके आंगन में आना होगा, देख सकते हैं। इसके बाद इस आंगन से ही आपकी सभी जगह एंट्री है। पीछे एक बेडरूम, जहां पर एक दुकान थी वहां पर एक बेडरूम मैंने बना दिया है, और बीच वाली दुकान को श्रृंग करके किचन बना दिया है, और आगे जो हॉल था उसको दो भागों में डिवाइड कर दिया है। इधर आपका दोस्तों बेडरूम किचन जहां नीचे था ग्राउंड फ्लोर पर वहीं पर है। ये आपका और एक ओपन स्पेस एज अ हॉल आप इस्तेमाल कर सकते हैं, एज अ डाइनिंग एरिया इस्तेमाल कर सकते हैं, आप पर डिपेंड करता है। तो ये आपका बेडरूम किचन लेट बाथ, फिर से बेडरूम हॉल, इसके बाद ये देखिए ग्रिल, और मेन डोर का आप डिजाइन देखिएगा डबल डोर मैंने दिया है। इधर विंडो पॉसिबल था, विंडो दिया। इधर दोस्तों देखिए तीनों बेडरूम्स मैंने अलग अलग विंडो और किचन में भी विंडो दिया है। ये ग्रिल का आप डिजाइन देखिएगा कितना खूबसूरत और बेहतरीन सा, जो कि चारों तरफ आपको देखने को मिलता है। ये पूरा एक बेहतरीन सा मॉडल देख पा रहे होंगे इसका फर्स्ट फ्लोर। फर्स्ट फ्लोर पर दोस्तों दो बेडरूम वगैरह सब कुछ आप बहुत ही आसानी से देख पा रहे होंगे, मैं सारी चीजें दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। बात करते हैं इसके फर्स्ट फ्लोर की, सॉरी दोस्तों लास्ट फ्लोर की। तो देख सकते हैं लास्ट फ्लोर पर दोस्तों चारों तरफ वही 3.5 फीट का बाउंड्री वॉल, और ये ग्रिल जो जैसी नीचे थी वैसी,
और जो स्टेयर्स को ढकने के लिए मैंने पूरा जो बेडरूम टाइप का था उसको कवर्ड किया है, इसी पर छत बना दिया है और ये आपका डोर है जिससे आप पूरी छत पर आ पाएंगे। तो एक 20x30 में बेहतरीन आपका कमर्शियल और रेसिडेंशियल दोनों टाइप का मकान बनता है। नीचे आपको दो दुकानें, एक हॉल वगैरह देखने को मिलता है, लेट बाथ भी मिलता है, तो बहुत ही खूबसूरत मॉडल होने वाला है 20x30 में। तो दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें। कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं दोस्तों पेड सर्विस भी चलाता हूं जैसा कि आप लोगों को बताता रहता हूं, तो आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, नंबर हमारा डिस्क्रिप्शन में मिलेगा जो कि एक व्हाट्सअप नंबर है, उस पर आप हमें कॉन्टेक्ट करिएगा। मैं आपकी A to Z जानकारी दूंगा घर से संबंधित और आपको मैप बनाकर दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।